एक इंसान जिसे कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों के साथ रात बिताना पसंद था, उसे मुर्दों के साथ सोना पसंद था। वो अक्सर कब्रिस्तान से लाशें चुराकर घर लाता और फिर उनके टुकड़े किया करता था। वो इंसानों का खून पिया करता था, क्योंकि वो कहता था कि इंसानों का खून उसके लिए प्रोटीन है। ये कहानी है द वैम्पायर ऑफ पेरिस की। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वो तारीख थी 22 मार्च, साल था 1972। अफ्रीका के शहर कैमरून में एक बच्चे का जन्म होता है जिसके माँ बाप दोनों फ्रेंच थे। उस बच्चे का नाम था नीको क्लॉक्स। नीको के माँ बाप दोनों फ्रेंच थे और जो पिता थे वो कंप्यूटर टेक्नीशियन थे। इसी वजह से वो अफ्रीका के शहर कैमरून में जॉब करते थे, मगर उनकी जॉब ऐसी थी कि वो हर थोड़े दिन में जगह बदल दिया करते थे। और शायद यही वजह थी कि उसके नीको क्लॉक्स के कोई दोस्त नहीं थे ज़्यादा। दरअसल नीको जब 6 साल का हुआ तो उसके पिता की पोस्टिंग के कारण वो अफ्रीका, इंग्लैंड जैसे देशों में वो अपना जो वक्त था वो बिताने लगा था। लेकिन थोड़े ही वक्त में एक के बाद एक जगह बदलने की वजह से नीको का कोई दोस्त नहीं बन पाया। और वहीं जो उसकी माँ थी वो ज़्यादा कुछ देखभाल अपने बेटे की किया नहीं करती थी। उसे नीको से कोई मतलब नहीं था। अगर जब भी नीको अपनी माँ से किसी बारे में बात करने जाया करता तो उसकी माँ जो थी वो नीको को भगा दिया करती थी। वो नीको को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया करती थी। तो नीको का जो ज़्यादातर वक्त था वो उसके दादा के साथ बीतने लगा। जब वो 10 साल का हुआ तो उसके दादा की भी मौत हो गई। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि एक दिन नीको अपने दादा के साथ बैडमिंटन खेल रहा था और उसी वक्त उसके दादा को हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन नीको के जो माँ बाप थे वो नीको को इस बात का ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि तुमने अपने दादा को मौत दी है, तुमने अपने दादा का कत्ल किया है। हालांकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये पता चलता है कि उसके दादा की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है। नीको को अपने दादा की मौत का इतना गहरा सदमा लगा कि वो कभी कभी उनकी कब्र पे जाकर बैठ जाया करता था। वो कभी उनकी कब्र को खोदता, उसमें से उनके हाथ निकालता, उनके पैर निकालता, फिर कभी उनकी कब्र पे मिट्टी डाल के उन्हें दबा दिया करता था। वो कई बार ऐसा भी करता था कि उनकी कब्र के पास जाके लेट जाया करता था और अपने दादा से बात किया करता था। इसी बीच नीको की माँ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा बहुत अजीबोगरीब बर्ताव कर रहा है। उसने कई बार अपने माँ बाप को जान से मारने की भी कोशिश की है। हालांकि पुलिस ने इस कंप्लेन को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, जिस वजह से उसकी हरकतें और बढ़ने लगीं। वो हत्या, सुसाइड और शैतानों से संबंधित किताबें पढ़ने लगा। फिर उसको एक किताब उसके सामने आई, उस किताब में जापान के आदमखोर की कहानी थी जिसका नाम था सोगावा। नीको सोगावा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मनी मन सोगावा को अपना गुरु मान लिया था। यहाँ तक कि कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा उस आदमखोर से प्रभावित हुआ कि वो ये चाहता था कि जब वो बड़ा हो तो वो उसी की तरह बने। उसको उसने एक तरीके से भगवान मान लिया था अपना। खैर, वक्त बीता, वक्त बीतने के साथ इनका जो परिवार था वो पुर्तगाल शिफ्ट हो गया। यहाँ नीको ने हाई स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन उस स्कूल में बच्चे उसे बहुत परेशान किया करते थे, उसको काफ़ी बुली करते थे, जिस वजह से उसने तंग आके फैसला किया कि अगर कोई भी बच्चा उसको परेशान करेगा तो वो उसका कत्ल कर देगा, उसकी हत्या कर डालेगा। स्कूल में भी वो एनाटॉमी यानी कि हमारे जो जिस्म के बारे में पढ़ाई होती है उसके बारे में किताबें पढ़ने लगा। हद तो तब हो गई जब वो रात रात भर कब्रिस्तान में जाकर लेटने लगा, कब्रिस्तान में जाकर कब्रों के पास बैठने लगा। वो कब्रों को खोदकर इंसानों के शरीर को काटकर उनके टुकड़े कर देता। यहाँ तक कि वो पूरी पूरी रात कब्रों के साथ सोने लगा और मुर्दों से बातें भी करता। उसका मानना था कि जिंदा लोग उसके लिए नहीं बने हैं और मरे हुए जो लोग हैं, जो मुर्दा लोग, लाशें पड़ी हुई हैं कब्रिस्तान में, वो उसके सच्चे दोस्त हैं। खैर, उसका हाई प्रोफाइल उसका पूरा हुआ, जिसके बाद उसका जो परिवार था वो फ्रांस शिफ्ट हो गया। नीको ने फ्रांस पहुंचने के बाद अपना हाई स्कूल कम्प्लीट करने के बाद फ्रांस पहुंचा और फ्रांस पहुंच के उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी में उसको जो नौकरी लगी उसका काम था कि जो जितने भी हथियार होते हैं उन हथियारों की निगरानी करना, उनको संभालने की उसको नौकरी लगी। वो क्या करता कि उस हथियार खाने से कई बार उसने बंदूकें चुराई,
कई सामान चुराए और उन्हें अपने घर लेकर आ जाया करता था। फिर उसने ये नौकरी भी छोड़ दी। आर्मी की नौकरी छोड़ने के बाद उसने दोबारा से पढ़ाई करनी शुरू करी और इस बार उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया वहीं पेरिस में और साइकोलॉजी की पढ़ाई करने लगा। करीब एक साल के बाद जब उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई उसने पास के ही एक अस्पताल में नौकरी कर ली। उसका काम था पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की मदद करना, मगर यहाँ जब भी वो किसी शव का पोस्टमार्टम होता तो निको उस शव के बाद में उस शव को अपने पास ही रख लिया करता था, उनके शरीर के बाद में टुकड़े करता और कुछ को खा भी जाया करता था। वो यहाँ जो अस्पताल का ब्लड बैंक था वहाँ से उसने कई बार खून की बोतलें जो थी उनको भी चोरी किया और उन्हें पी जाया करता था। उसका मानना था कि इंसानी खून उसके लिए प्रोटीन है। मगर आखिर ये शख्स पकड़ा कैसे गया, ये हैवान जो एक तरीके से इंसान कहना शायद इसे गलत होगा, ये आखिर कैसे पकड़ा गया? तो मैं आपको बताऊं कि साल 1994 करीब 15 नवंबर जब निको क्लॉक्स को पेरिस के उसके अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया, दरअसल उस पर एक शख्स की हत्या और चोरी करने का इल्ज़ाम था। जिस इंसान की इसने हत्या करने का जिस इस पर जो इल्ज़ाम लगा था उसका नाम था थियरी बेज़नियार। निको के ऊपर आरोप लगा कि इसने थियरी बेज़नियार का कत्ल किया है, जिस वजह से जब पुलिस इसे अरेस्ट करने इसके अपार्टमेंट पहुंचती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हुआ कुछ, इसने थियरी का कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसका क्रेडिट कार्ड चुराया और उससे शॉपिंग करी। जब पुलिस को जैसे ही इस बात का पता लगा तो वो हरकत में आई और निको के अपार्टमेंट जा पहुंची, लेकिन पुलिस के होश तब उड़ गए जब उन्होंने निको के कमरे में कई इंसानी कंकालों को पड़ा देखा। तलाशी ली गई तो पुलिस को और भी कई ऐसी चीज़ें मिली जिसे देखने के बाद वो दंग रह गए थे। निको के घर में इंसानी पैर मिले जिन्हें हड्डियों समेत काट कर लटकाया हुआ था, उन्हें अभी भी खून जिनसे अभी भी खून टपक रहा था, सोचिए। फिर उन्हें एक बॉक्स मिला जिसमें इंसानों के दांत भरे हुए थे। दर्जनों वीडियो टेप्स ऐसे मिले जिसमें तरीके बताए गए थे कि इंसानों का कत्ल कैसे किया जाता है, उनके जिस्म के टुकड़े कैसे किए जाते हैं। कुछ पेंटिंग, पूरे घर में पेंटिंग्स बनी हुई थी शैतान की, और कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी बनी हुई थी घर के अंदर जिसमें मर्डर करने का तरीका बना हुआ था। जब उसके घर की और पुलिस ने तलाशी करी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जब उन्होंने उसके घर में रखी फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो यकीन मानिए उनके भी होश फाख्ता हो गए होंगे, क्योंकि फ्रिज में इंसानी मांस के टुकड़े पड़े मिले। फ्रीजर में तो निको ने कई थैलियों के अंदर खून रखा हुआ था। ये सब देखकर पुलिस का भी दिल दहल गया। शुरुआत में जब निको से पूछताछ की गई तो उसने सिरे से इन सारी चीज़ों से अपना नाम नकार दिया। उसने सीधा बोला पुलिस को कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो उसने बेज़नियार जो बंदा था उसकी कत्ल की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि थियोरी बेज़नियार से वो एक मिनिटेल नाम की सोशल मीडिया वेबसाइट पर मिला था 1990 के दशक में। दरअसल 1990 के दशक में मिनिटेल एक सोशल मीडिया के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली डेटिंग ऐप के तौर ये कह सकते हैं एक एप्लीकेशन थी, और इसी के थ्रू वो थियोरी बेज़नियार से मिला था। जब उन दोनों की दोस्ती हुई तो उसने बताया कि वो अपनी निको को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया। हालांकि निको को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि निको का मानना था कि उसे कोई लड़की नहीं मिलती, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो इस बात से उसको काफ़ी गुस्सा आया। फिर एक दिन जब दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई तो एक दिन थियोरी के घर निको अपने थियोरी के घर पहुंचा निको, और 4 अक्टूबर 1994 की रात निको थियोरी के घर पहुंचता है और फिर वहां से बंदूक और चाकू लेकर निको को थियोरी को मार डालता है। जैसे ही निको थियोरी के घर पहुंचा उसने बंदूक की गोली चलाकर थियोरी की हत्या कर दी। फिर वहां से उसका क्रेडिट कार्ड चुराया और शॉपिंग करने मॉल पहुंच गया। उसने वहां से कैमरा खरीदा, लेकिन इसी एक गलती की वजह से, इसे कैमरे की खरीदने की वजह से वो पकड़ा भी गया। पुलिस को जैसे ही निको के बारे में पता चला तो उसे वहाँ से फॉरन अपार्टमेंट से पकड़ा गया। बाद में उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में निको ने हत्या की बात तो कबूल करी, लेकिन उसने बताया कि घर में रखे कंकाल जो हैं वो उसने कब्रों से चुराए हैं, या फिर ज़्यादातर कंकाल वो हैं, ज़्यादातर हड्डियाँ वो हैं जो पोस्टमार्टम के लिए लाशें उसके अस्पताल आती थी वो उन्हें चुरा लिया करता था।
अपने दोस्त के कत्ल के आरोप में अदालत ने निको को 12 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन साल 2002 में ही वो 8 साल की सज़ा काटने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद निको ने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी दिए, यहाँ तक कि उसने द गॉस्पेल ऑफ ब्लड नाम की किताब भी लिखी। और आज भी निको को द वैम्पायर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। इस शख्स की कहानी आपको कैसी लगी, इसका खौफनाक किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।